राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिमाचल प्रदेश के सह प्रांत कार्यवाहक अशोक कुमार ने बताया कि 30 अगस्त रविवार के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रकृति बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि मिलकर पूरे समाज में प्रकृति को लेकर अपनापन और संवेदनशीलता बढ़े, इसके लिए प्रत्येक परिवार अपने घर में वृक्ष या गमले में लगे पौधे की पूजा करेगा। ये कार्यक्रम पूरे देश एवं प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम द्वारा ये प्रयास किया जा रहा कि प्रकृति का विकास हो सके। अशोक कुमार ने कहा कि संघ संचालक मोहन भागवत भी इस अवसर पर कल अपना उद्बोधन करेंगे। अशोक कुमार, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ हिमाचल प्रदेश की, जो टीम है उसमें सह प्रांत कार्यवाह। अशोक जी, कल RSS एक कार्यक्रम का आह्वान कर रहा है, क्या कार्यक्रम है और क्या आह्वान है? कल का जो कार्यक्रम है वो है प्रकृति बंधन का कार्यक्रम। दो संस्थाएं, हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन तथा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि हिमाचल प्रदेश, इन दोनों के द्वारा मिलकर के समाज में प्रकृति को लेकर के अपनापन और संवेदनशीलता बढ़े, उस हेतु प्रत्येक परिवार जो है 10 से 11 बजे अपने घर में वृक्ष की पूजा करेगा, और यदि वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो गमले की भी पूजा करेंगे। उस गमले की औषधीय पौधे का या वृक्ष का जो है उसको तिलक लगाना, मौली बांधना, अक्षत इत्यादि जो जो पूजा की विधि सामग्री है उससे उसका पूजन करके पर्यावरण का संरक्षण करने का संकल्प सारे परिवार लेंगे। और ऐसा प्रयास पूरे हिमाचल प्रदेश में है, हजारों परिवारों ने एक लिंक के माध्यम से उसमें परिवार की रजिस्ट्रेशन करवाई है, और ये आज शाम तक भी काम जारी रहेगा, ताकि प्रकृति के प्रति समाज का जो एक प्रकार से जागरण है वो हो, और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जिसमें जल है, भूमि है इत्यादि जो सारी प्राकृतिक संपदा है उसके संरक्षण के लिए आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उनका मानस भी तैयार हो, और हमारे यहाँ जो ये पृथ्वी है, ये जो सारा धरा है, ये सुंदर बने। अनेक कार्यक्रमों का आयोजन ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम से होता ही रहता है, तो उसमें एक ये नया कार्यक्रम प्रकृति बंधन का कल 10 से 11 बजे के बीच में ऐसा होगा। और इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी का उद्बोधन भी रहेगा। वो फेसबुक के माध्यम से और अन्य जो ऐप्स उसमें निर्धारित किए हैं उसके माध्यम से समाज को उनका उद्बोधन, उनका आह्वान भी सुनने को मिलेगा। समाज के सारे बंधुओं से प्रार्थना है कि वो प्रकृति को जुड़ें, उसके महत्व को समझें, और एक प्रतीकात्मक रूप में वृक्ष की पूजा करके परिवार सहित और वृक्ष की उसकी परिक्रमा करके उसकी बंधन की, उसकी पूजन की विधि भी बताई गई है, उसके अनुसार करके कल अपने वो जो सामाजिक दायित्व है उसको निर्वहन भी करें, और संकल्प लें कि प्रकृति का संरक्षण हर हाल में अपनी क्षमता के अनुसार सब करें। ऐसा एक कार्यक्रम कल होने जा रहा है। धर्मशाला से सन्नी महाजन की रिपोर्ट।